हेलो गाइज, आपके अपने चैनल मेडिकमेंट नॉलेज में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में बात करेंगे सीफाकाइंड 500 टैबलेट के बारे में। जानेंगे इस टैबलेट से होने वाले क्या क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, इसको इस्तेमाल करने का तरीका क्या है। इन सभी जानकारियों के बारे में आगे हम इस वीडियो में बात करेंगे। बस आप वीडियो में लास्ट तक बने रहें, और यदि आप भी हमारे चैनल के माध्यम से कम समय में दवाइयों से जुड़ी जानकारी पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि हर आने वाली ऐसी ही नई वीडियो आपको आसानी से मिलती रहे। सीफाकाइंड 500 मैन्युफैक्चर की जाती है मैनकाइंड फार्मा द्वारा, और इसके अंदर शिफोरोक्साइन एक्सिटाइल 500 mg की क्वांटिटी में पाया जाता है। आपको यह 10 टैबलेट की स्ट्रिप 443 रुपये की MRP पे किसी भी मेडिकल स्टोर से आसानी से मिल जाती है। बात करें इस टैबलेट से होने वाले फ़ायदों के बारे में, जैसा कि यह एक एंटीबायोटिक टैबलेट है, यानी कि आपको यह एंटीबायोटिक इन्फेक्शन से बचाने का काम करती है। यदि आप बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से परेशान हैं, जैसे कि आपको निमोनिया हो गया है, आपकी या आपके बच्चे की पसलियां चल रही हैं, या आपकी नाक बह रही है, और साथ ही में यदि आप यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन से परेशान हैं, पेशाब की नली में इन्फेक्शन से परेशान हैं, जिसकी वजह से आपके पेशाब में जलन या खून आ रहा है, और यदि आपके कान में या नाक में कोई दाना या फुंसी निकल गई है या खुजलाहट हो रही है, तो आप इन सभी समस्याओं में इस टैबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इस टैबलेट को इस्तेमाल करने के तरीके की। आप शाम को खाना खाते समय इस टैबलेट को ले सकते हैं। यदि आप इस टैबलेट को खाना खाते समय लेते हैं तो आपको इसके जो साइड इफेक्ट हैं वह बहुत ही कम देखने को मिलेंगे। अब बात कर लेते हैं इससे होने वाले साइड इफेक्ट के बारे में। आपको इससे कुछ साइड इफेक्ट दिखाई दे सकते हैं, जैसे कि स्किन पर चकत्ते होना, स्किन का लाल होना, उल्टी होना, उल्टी जैसी फीलिंग होना, और दस्त का लगना। लेकिन जैसे ही आप इस टैबलेट को छोड़ते हो तो आपके जो यह साइड इफेक्ट हैं अपने आप ही खत्म हो जाते हैं। अब बात कर लेते हैं इस टैबलेट को किसे नहीं लेना है। जो प्रेग्नेंट वोमेन है या जो महिलाएं ब्रेस्ट फीडिंग करा रही हैं, अपने बच्चे को दूध पिला रही हैं, या जिन्हें लीवर या किडनी की समस्याएं हैं, आपको इस टैबलेट का इस्तेमाल नहीं करना है। और साथ ही में जो इस टैबलेट का इस्तेमाल कर रहे हैं और उन्हें मुंह पे स्वेलिंग और स्किन का लाल होना, और या उन्हें सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो वह इस टैबलेट को लेना छोड़ दें और किसी भी डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करें। और दोस्तों, आपको इस टैबलेट को लेते समय एक बात का विशेषकर ध्यान रखना है। यदि आपको इस टैबलेट को लेते समय आपके सिम्टम में आपकी बीमारी में फायदा आ रहा है तो आप इस टैबलेट को एकदम बिल्कुल भी न छोड़ें। आराम मिलने के बावजूद भी कुछ समय तक इसका इस्तेमाल करते रहें। यदि आप तुरंत आराम होते ही जैसे ही इस टैबलेट को छोड़ते हो तो आपके सिम्टम फिर से वापस आ सकते हैं। तो इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, जैसे ही आपको इस टैबलेट से आराम मिलना शुरू हो तो आप इस टैबलेट को तुरंत बिल्कुल भी ना छोड़ें। मुझे आशा है कि मेरे द्वारा इस टैबलेट के बारे में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी।